आइए यहाँ पर आइए प्रभु, यहाँ तक लगाया हुआ है तीन लाइनों में इस तरह। अच्छा ऐसे, हाँ यहाँ पर आड़ा रख दीजिए, इसमें मिट्टी आ जाएगी। ये हर आँख पर रख रहे हैं, आप भी लीजिए ना। ब्राह्मण सदैव आगे रहने लगाते हैं। एक पानी की बूंद से दूसरे पानी का बूंद 1.25 फीट पे, और इसका 1.25 लीटर डिस्चार्ज है। ये बनवाया भी इन्हीं के लिए गया है, 1.25 फीट का। जनरल मार्केट में 2-2 के ऊपर उस तरह से करते हैं, पर हमने यहाँ पे कम पानी खर्च हो उसके हिसाब से बनाया। डबल शक्ति मिल जाए। हाँ। एक और फिर दो। हाँ। हमारा सौभाग्य है कि आप सभी आकर के यहाँ पर प्लांटेशन की ये दो निकले हुए शुरुआत करवा रहे हैं। जय हो। ये भूमि का नाम वृंदावन रखा है। भवानी जी को बोला है कि उस पर एक पूरा ड्रिप घुमाएं और उस पर नेपियर लगा दें, और मैंने बात करी थी वो अभी जल्दी लगानी पड़ेगी, नहीं दवा से ही रखना पड़ता है, और जर्मिनेटर इसका अगर ज़्यादा गहरा गया तो फिर कम होता है, ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी नहीं चाहिए लगाते समय। इसमें कुछ किसान तो ऐसे भी लगाते हैं कि ये एक आँख को नीचे लगा देते हैं और एक आँख ऐसी खड़ी रखते हैं, तो वो आँख सड़ कर जड़ पकड़ती है और इस आँख से फुटा हो जाता है। अच्छा, बट वो प्रैक्टिकल अधूरा है। यही सही, ये सही है कि आड़ा आंख लगाएं ताकि दोनों में फुटाव आ जाए।
वेस्ट क्यों करना किसी भी ट्रेल दो एक साथ में दो आ जाएंगे तो ज्यादा ट्रेलिंग भी आएगी। अभी ये पूरा 23 एकड़ एक साथ मोटर पंप चल रहा है, इसको फीडर 3 रखा है, यहाँ टोटल 3 फीडर रखे हैं। और वृंदा कुंड से जो लाइन चालू हुई है तो लास्ट का स्टेशन अगर देखते हैं वहाँ टेकड़ी पर, तो ये 1400 मीटर है, मतलब 1.5 किलोमीटर के लगभग वहाँ से कुंड से पानी आ रहा है। तो ये जो दूरी है यहाँ से लेकर के वहाँ तक का, और थोड़ा सा ये गाड़ी रखी है इसके उस तरफ का 2 एकड़ का पेच, तो टोटल ये 23-24 एकड़ का पेच है। इसमें रास्ते हर कट पे निकाले हैं, जैसे हमारी गाड़ी जो अभी आई, तो ये जहाँ पर भी फीडर है, ये 100 मीटर की गैप का फीडर है, कि ये जो वॉल दिख रहा है ये यहाँ से इस वॉल की दूरी 100 मीटर है, तो इसका पूरा जमीन का वो आकलन करके फिर डेटा निकाला कि इसमें जितना रेत का परसेंटेज है, ये जैसे रेत ही रेत दिखेगी, इसमें क्ले परसेंटेज कम है, तो जहाँ भी रेत का परसेंटेज है वहाँ पर हमें स्लो डिस्चार्ज चाहिए कि धीमे धीमे पानी गिरे, जहाँ क्ले ज़्यादा है, मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा तेज़ी से पानी गिरा। तो इसका हमने ही फिर ये फैक्ट्री भी हमारा ही है ड्रिप का, तो फिर उसका ड्रिपर डिज़ाइन किया 1.2 लीटर, एक घंटे में पानी चलेगा तो 1 लीटर 200 ml पानी गिरेगा एक बूंद ड्रिपर से, इससे ये जो बूंद बूंद गिरा रहा है ये एक घंटे में 1200 ml पानी गिराएगा। एक बार में पानी चलने पर 1.5 लाख लीटर पानी इसका एक घंटे में सप्लाई हो रहा है। उस हिसाब से आकलन करके पॉन्ड में जो मोटर पंप डाला है 15 HP 4-3 का डाला है, जो एक घंटे में 1.5 लाख लीटर पानी पूरा इस फीडर को एक साथ चलाए, तो इस पूरे प्रांगण के केवल 3 फीडर बने, और सारा का सारा सेंट्रलाइज रखा है वहाँ पर जो सेट बनाए हैं, कि आगे भविष्य में वहाँ पर हम ऑटोमेशन के वॉल लगा देंगे तो फिर हम ऑफिस से बैठ करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि पानी कितना चलाना है कितना बंद करना है। ऑटोमेशन सिस्टम रखा है, अभी मैनुअल है लेकिन वो भविष्य के लिए वैसा ही रखा है कि वहीं से एक जगह से सेंट्रलाइज ऑपरेट हो। आज लगाना चालू किया इन बच्चों ने, लगभग 55 कर्मचारी है आज, और यहाँ से लगाते जा रहे हैं। ये नेपियर लगा रहे हैं, नेपियर लगा रहे हैं, पाइप तो लग गया, पाइप वर्क तो लग के कंप्लीट, अभी पानी चल रहा है, तो यहाँ से ही लगाना चालू किया है, वहाँ तक चले गए हैं। ये शाम तक आज ये पूरा 23 एकड़ एक ही दिन में प्लांटेशन हो जाएगा। अच्छा, एक दिन में? हाँ, अब कल फिर हम वो कितने पीस लगेंगे इसमें? लगेंगे 1.5 लाख आंखें, 1,50,000, 1,40,000 के ऊपर नीचे, 70,000 ऐसे पीस लगेंगे। एक में दो आंखें? नहीं, 1.5 लाख में 3 लाख, 3 लाख आंखें लगेगी। हम थोड़ा पास में लगा रहे हैं इसको, लाइन से लाइन 6 फीट है, और जो रोप से रोप लगा रहे हैं पौधे से पौधे 1.25 फीट है। तो 1 एकड़ में 6,100 आंखें आ रही, 6,050, 6,034 ऐसी 1 एकड़ में आ रही है, तो टोटल पूरे प्रांगण में एक बार में 1.5 लाख आंखें लगेगी, मतलब 1.5 लाख पीस लगेगी, 3 लाख आंखें लगेगी। 1 एकड़ में 12,000 आंखें लग रही है, 6,000 पीस लग रहे हैं। यस, वो इसलिए किया है कि अगर एक में गैप फिलिंग भी हुई धूप के कारण तो दूसरा पास से सपोर्ट कर दे, तो बाद में हमें यहाँ कोई गैप फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं, एक बार फिट किया खत्म। एक शिकायत ये है जी, जैसा कि जो छेद है उसमें ये रेत भर जाती है, इसके लिए हमने वहाँ फिल्ट्रेशन पर विकल्प लगाया है, इसके लिए आता है शंकु फिल्टर। तो दो काम हमने किए हैं, एक तो जो ट्यूबवेल है ये डायरेक्ट इसमें नहीं चला रहे हैं, इसका पानी जा रहा है वृंदा पॉन्ड पे, उस तालाब में जा रहा है, तो तालाब में थोड़ा सा ढलान है, जो पानी गिरता है उसका रेत स्लिप होकर एक कोने में जाता है, और वहाँ पर दूसरा मोटर लगाया है, वो पानी के ऊपर तलेटी पर है, जैसे नाव तैरती है ऐसे मोटर को तैरा रहे हैं, तो जो बोरिंग का पानी जा रहा है उसका रेत नीचे पेंदे में है, और वहाँ जो मोटर रखी है वो ऊपर है। एक व्यवस्था तो ये हुई जिससे रेत कंकर अटके, उसके बाद फिल्टर यूनिट में शंकु फिल्टर एक आता है जो साइक्लोन बनाता है, उसमें पानी एक तरफ से इन होता है, साइक्लोन बनता है, और फिर पानी ऊपर जाकर बाहर आता है, उसको बोलते हैं शंकु फिल्टर, तो वो हमने यहाँ पर लगाया है ताकि रेत ड्रिप लाइन में ना आए। वो केवल पानी को ही करता है या गोबर को भी करता है? वो केवल पानी के लिए है, गोबर के लिए अलग फिल्टर आएगा। फिर उसके बाद में दूसरा फिल्टर हमने लगाया डिस्क फिल्टर, जो सभी तरह के कचरे को रोकता है, केवल क्लीन पानी भेजेगा। अभी जो वृंदा कुंड से पानी आ रहा है इसको हम पी सकते हैं, ऐसा पानी है अभी तो। पानी
थोड़ी सी नेपियर, उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा सिस्टम। कैसे? क्योंकि नेपियर ही अपने आप को पूरा वो अपने आप को बचा के रखेगी ना, मिट्टी को पूरा। ये जो उड़ रही है मिट्टी, इसको सबको सबको रोक देगी, मिट्टी के कटाव को, बहाव को। एक महीने का खेल है सोच लीजिए, उसके बाद अभी कुछ दिनों में ही इतने छोटे छोटे तो आ जाएंगे, और 15-20 दिन के बाद में काफी इतने बड़े करेंगे। आपका 30 दिन के अंदर दूसरा प्रवास होगा तो काफी कुछ हरा भरा दिखेगा, काफी कुछ दिखेगा आपको। कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिन में घुटने तक आपको पहला कटिंग आएगी, पर पहली कटिंग हम 90 डेज में सोच रहे हैं। पहली कटिंग लेट आएगी, शुरुआत अंकुरण, फिर उसके ट्रिलिंग और फिर हाइट, तो पहली कटिंग 90 दिन में आएगी, तो अप्रैल मई जून। उम्र कितनी है इसकी? हम जून में कटिंग ले लेंगे। उम्र कितनी है? उम्र तो वैसे 6 से किसान पाठशाला ही चला रहे हैं, उसमें हमने जो फार्मिंग के टेक्निक लिए हैं, अभी तो ये सभी की सभी पूर्व दिशा में लगाई है, इस तरफ लगाई है। जब ये ग्रो होगी और बार बार कटिंग आएगी तो हम पहली दिशा में तो इसको 70-30 फार्मिंग करेंगे, तो एक ड्रिप लेफ्ट में रहेगी, एक ड्रिप राइट में रहेगी, तो जो भी पानी का निसरा होगा, बहाव होगा, वो इस तरफ होगा और ये हिस्सा खाली रहेगा, और इसमें लेफ्ट राइट होगा तो ये बहाव रहेगा। फिर जमीन को भी ताप चाहिए। अब हम यहाँ पर 10 साल तक नेपियर ही कंटिन्यू करें या कोई सी भी फसल एक ही खेत में अगर करना है तो जमीन को तपाना पड़ता है। अब इन दोनों का पानी उस तरफ है तो ये जो हिस्सा है ये पूरा साल भर तपेगा, और हमें हर 3-6 महीने में इसका ऑडिट करना है कि पीएच क्या है, कार्बन प्रतिशत क्या है, और नेपियर में प्रोटीन लेवल, फाइबर लेवल क्या आ रहा है, उसके मुताबिक हम इसका, फिर जब हमें लगेगा कि ये वाला ज़्यादा नमी वाला हिस्सा हो गया तो हम ड्रिप को बदल कर उल्टी दिशा में करेंगे जहाँ ताप है, तो फिर ये वाला हिस्सा तपने लगेगा और ये वाला हिस्सा नरम होने लगेगा पानी के कारण। इसको बोलते हैं 70-30 खेती, 70% जगह पानी की पौधों के लिए और 30% जगह सूखी हम खेत में चलकर काम करें इसके लिए। तो हम इस जगह को कम से कम खेड़खाड़ करेंगे, अभी शुरुआती चरण में करेंगे, बाद में इसको वैसे ही छोड़ेंगे। में जो खरपतवार सब आएगी उसको वो काट कर वहीं बिछा देंगे, हम उसको कल्टीवेट नहीं करेंगे, कल्टीवेशन नहीं करना अभी इसमें, इस हिस्से को कल्टीवेट करेंगे जहाँ पानी नहीं देंगे, वैसे हाल में छोड़ना है, जिसमें पानी देंगे वो वैसे ही रहेगा। अच्छा, और जो हम रोटावेटर से या किसी भी मैनुअली भी काटेंगे तो वो यहीं पे स्प्रेड कर देंगे, वो इस तरीके से ये कटेगा आच्छादन, और उसका आच्छादन ये इस तरीके से ऊपर से कट जाएगा, जैसे जड़ लेके आ रहा ना वो काम नहीं हम करेंगे, दराती से ऊपर से कटा, ऊपर से कट कर यहीं बिछा दिया। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी पौधा निकला तो ये जड़, जितना पौधा ऊपर है उतनी जड़ नीचे है, तो ये जड़ रहेगी अंदर अंदर रहेगी, और इसके ऊपर सारे कचरे का आच्छादन होगा, और उसमें गोमूत्र और गोबर ड्रिप से, ड्रेंचिंग से, स्प्रे से जाएगा। अच्छा, तो ये ऊपर से जब कंपोस्ट होगा तो नीचे की जो जड़ें हैं वो सिकुड़ने लगेगी, तो मिट्टी में एरिएशन होगा, हवा जाएगी, ये जो जड़ है ये जब सिकुड़ेगी तो ये साइज अपना छोटा करेगी, और मेन मुद्दा हम इसको बोलते हैं केमिकल रेसिड्यू फ्री। जब इस जड़ को खाने के लिए बैक्टीरिया, कीट, पतंग, दीमक आएगा तो प्रकृति का नियम है कि चलने फिरने वाला प्राणी कुछ भी खाता है तो कुछ निकालता है, तो इसको कीट, पतंग, फंगस खाएगा तो वो अपनी विष्ठा निकालेगा और वो विष्ठा हमारी नेपियर का भोजन रहेगी। तो हम अलग से DAP, यूरिया, पोटास कुछ नहीं डालते, कभी भी हम खेती में केमिकल नहीं डालते। ये कितने साल का? ये 10 साल का है। यहाँ जितने कोशिश करेंगे कि इस प्लांटेशन को चलाएं, बट हमें डाटा चेंज मिले तो फिर हम इसका प्लांटेशन यहाँ सेंटर में करेंगे। ये जो 6 फीट रखा है ये जब हमें सपोर्टेबल नहीं रहेगा, इसके आंकड़े, इसका प्रोटीन लेवल, फाइबर सपोर्टेबल नहीं रहेगा, हम ड्रिप उठाकर बीच में करेंगे जो खाली जगह है, तो इसको फिर रोटावेटर कर देंगे और यहाँ पर नया प्लांटेशन करेंगे। 10 साल में जितने साल में भी हमें ऐसा लगा कि अब फाइबर इसका ज़्यादा चेंज हो रहा है तो हम फिर इसकी जगह बदलेंगे। उम्मीद है कि 4 साल तो ये चलेगा एज इट इज, कम से कम चलना चाहिए। मंडल जाना जी, बहुत अच्छा हुआ प्रभु आप आए, आप सभी आए। हेलो जी, थैंक यू जी जी। यहीं से बाहर हो जाएगी गाड़ी में सीधे। अब आप कब बुला रहे हैं बताइएगा। बात करेंगे।